हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 3.1 पॉइंट वन फ्राम पी एस सी बी टेक्स बुक द रेन फॉल इन मिलीमीटर्स इन अ सिटी ऑन सेवन डेज ऑफ अ सर्टन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज सो एक सिटी में सेवन डेज में कितनी कितनी रेनफॉल हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइन द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा सो हमने रेंज निकालनी है रेनफॉल की सो so रेंज हम कैसे निकालते हैं रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कौन सी है यहाँ पर आप सारी ऑब्जर्वेशन चेक करो 0.01, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। सो so हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 20.5। सो 20.5 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करो लोएस्ट so, ऑब्जर्वेशन है 0.0 सो माइनस जीरो सो रेंज इज इक्वल टू 20.5 पॉइंट फाइव माइनस जीरो ये आ जाएगा 20.5. अब रेन यहां पर मैंशन है मिलीमीटर्स में सो so यहां पर हम लिख देंगे मिलीमीटर्स सो रेंज इज इक्वल टू 20.5 पॉइंट फाइव मिलीमीटर्स सेकेंड क्वेश्चन है फाइन द मीन रेनफॉल फॉर द वीक सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ़ ऑल समर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो इक्वल्स टू इन सारी ऑब्जर्वेशंस को एड कर लो जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो प्लस ट्वेंटी पॉइंट फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट जीरो अपॉन कितनी नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन है सेवन सो so, यहाँ पर हम लिख लेंगे सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वैसे भी यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है सेवन डेज ओके सो अब हम इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं सो डेसिमल नंबर्स को जब आपने ऐड करना है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए ओके okay? सो फर्स्ट नंबर है जीरो पॉइंट जीरो वन इसके नीचे हम लिखेंगे ट्वेल्व पॉइंट टू सो डेसिमल के नीचे आएगा डेसिमल डेसिमल के बाद है टू तो टू आएगा यहाँ पर टेंथ प्लेस पे ठीक है जीरो पॉइंट जीरो वन में जीरो है टेंथ प्लेस पे ट्वेल्व पॉइंट टू में टू है टेंथ प्लेस पे सो सेम प्लेस वाले डिजिट्स को हमने एक दूसरे के नीचे लिखना होता है ओके सो so डेसिमल के नीचे आ गया डेसिमल अब होल नंबर पार्ट में है ट्वेल्व तो टू आएगा वंस प्लेस पे जो वन है वो आएगा टेंस प्लेस पे सो ट्वेल्व पॉइंट टू नेक्स्ट है टू पॉइंट वन डेसीमल के नीचे डेसीमल डेसीमल के बाद आएगा वन वंस प्लेस पे आएगा टू देन जीरो पॉइंट जीरो डेसीमल के नीचे डेसीमल डेसीमल के बाद भी जीरो है यहाँ पर डेसीमल के पहले भी जीरो है नेक्स्ट है ट्वेंटी पॉइंट फाइव सो डेसिमल के नीचे डेसीमल डेसीमल के बाद है फाइव फाइव को लिख लेंगे यहाँ पर डेसिमल के पहले है जीरो ज़ीरो के पहले है टू सो ट्वेंटी पॉइंट फाइव नेक्स्ट है फाइव पॉइंट फाइव डेसीमल के नीचे डेसिमल डेसिमल के बाद है फाइव डेसिमल से पहले वन प्लेस पे क्या है फाइव तो फाइव को लिखेंगे यहाँ पर फाइव पॉइंट फाइव नेक्स्ट है वन पॉइंट जीरो डेसीमल्स के नीचे डेसीमल डेसीमल के बाद है जीरो डेसीमल से पहले है वन सो वन पॉइंट ज़ीरो So, यहां पर देखो 0.01 को छोड़ के बाकी जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है सो so, अगर आप चाहो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहां पर एंड में ऐसे जीरो लगा सकते हो ठीक है ताकि जब आप डिजिट्स को ऐड करो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो सो so, यहां पर आ जाएगा वन क्योंकि वन में बाकी के सारे ऐड हो रहे हैं यहां पर क्या आएगा जीरो प्लस टू 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 प्लस वन थ्री थ्री प्लस जीरो थ्री थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस फाइव थर्टीन सो यहाँ पर आ गया थ्री डेसिमल्स के नीचे डेसिमल वन कैरी हो गया फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस टू एट प्लस टू टेन प्लस वन इलेवन सो वन यहाँ पर कैरी हो गया टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर सो ये आ गया फोर्टी वन पॉइंट थ्री वन इक्वल्स टू 41.31 वन अपॉन अब 41.31 को हम 7 के साथ डिवाइड कर देंगे थर्टी फाइव इलेवन माइनस फाइव बचे सिक्स अब यहां पर देखो फोर्टी वन के बाद है डेसिमल. अब नीचे जो हमने नेक्स्ट डिजिट लेके आनी है वो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है थ्री सो so, यहां पर हमने कोशंट में भी लगाना है अब डेसिमल ठीक है सो so, अब हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट को नीचे ले आएंगे सो so, ये बन गया सिक्सटी थ्री सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री सो क्वेश्ट में हम नाइन लिखेंगे डेसिमल के बाद सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री ओके सो ये बचा जीरो नीचे आ गया वन सेवन जीरो जीरो So, अभी भी रिमेंडर हमारे पास वन है सो so, इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो डेसिमल नंबर्स हैं, वो पूरे पूरे डिवाइड हों किसी नंबर के साथ ओके सो मीन आ गया फाइव पॉइंट नाइन एंड में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो हम सीधा लिख देते हैं फाइव पॉइंट नाइन मिलीमीटर सो दिस इज द मीन मीन रेनफॉल है फाइव पॉइंट नाइन एम एम थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज हैड दी रेनफॉल लेस देन दी मीन रेनफॉल कितने दिन है जब मीन रेनफॉल से रेनफॉल कम हुई है सो मीन रेनफॉल कितना है फाइव पॉइंट नाइन मिलीमीटर अब हम देखेंगे कि कितने ऐसे दिन है जब रेनफॉल फाइव पॉइंट नाइन mm से कम हुआ है सो so, मंडे को रेनफॉल कम हुआ है मीन रेनफॉल से वेंसडे को रेनफॉल कम हुआ है थर्सडे को कम हुआ है टरडे को कम हुआ है एंड संडे को कम हुआ है सो so, टोटल कितने नंबर ऑफ डेज आ गए थ्री फोर फाइव सो यहां पर हम लिख देंगे फाइव डेज हैड दी लेस रेनफॉल देन दी मीन रेनफॉल आप सिंपली लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू फाइव ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन द कमिंग विडियोज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर